इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले तो मेरे पास कोई खास गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर वगैरह या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनसे नहीं कांटेक्ट था। लेकिन दिल्ली जाके मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे सिलेबस स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगा है। और प्रॉब्लम्स में तो यही है कि फैमिली से दूर रहने में, ऑफकोर्स एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जिसको भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वही प्रॉब्लम्स थी। एज अ मिडिल क्लास फैमिली आपके पास ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं होती है, वही प्रॉब्लम्स थी बस। मैम आईएएस बनी है और महिलाओं को वैसे भी बहुत ज़्यादा उनके सामने चेता काफ़ी संघर्ष होता है सामने, काफ़ी चुनौतियाँ होती है, तो किस हिसाब से आप आईएएस को समझती है, किस नज़र से देखती है? देखिए महिला, क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश हमारा है तो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन काफ़ी फॉर्चुनेटली महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं। और एज एन आईएएस मुझे लगता है महिलाओं को ज़्यादा आगे आने चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज तो बन गई लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे विमेन ज़्यादा होंगी ना तो विमेन के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि विमेन एक रिलेट को एक विमेन के साथ रिलेट कर पाती हैं। सपोज एक पुलिस ऑफिसर विमेन है और मेरे साथ कल कोई इवटीजिंग होती है, तो अगर मुझे पुलिस थाने में कोई विमेन पुलिस ऑफिसर मिलेगी तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जितने ज़्यादा विमेन आएगी और तो समाज के हर वर्ग का और हर जेंडर का विकास हो सकता है। क्या क्या संदेश है मुजफ्फरनगर की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सपने बड़े देखिए और उसके लिए मेहनत करते रहिए, और ऑफकोर्स सफलता एक दिन आपकी होगी। किस तरह का फील हो रहा है आज? काफ़ी अच्छा लग रहा है, एज यूज ऐसे हर कोई कहेगा काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो बताया तो जा नहीं सकता, बस महसूस करने वाली बात है, हवा में है जैसे हवा में तैर रहे हो यकीन नहीं हो रहा है फिर भी महसूस हो रही है। ना, सपने थे वो बिटिया ने कामयाब किए हैं, और इसके भी सपने थे हमारे भी थे, वो इसके थ्रू कामयाब हुआ है, सब कुछ मेहनत तो इसी की है। हाँ परिवार में कोई पहले प्रशासनिक अधिकारी रहा हो? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो परिवार में क्या, कोई गांव में भी नहीं था 500 साल से। कौन सा गांव है सर आपका? कुटेसरा गांव है हमारा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में ही है, तहसील मुजफ्फरनगर में पड़ता है, चरथावल के पास। तो आज क्षेत्र में भी खुशी का माहौल होगा? 100-150 टेलीफोन कुटेसरे से मुझे आए हैं सवेरे से आज, हालांकि मेरा जाना नहीं हुआ, मैं डेली अप डाउन करने वाला हूँ। खुशी का माहौल है पूरे गांव में, बड़ा क्या कहना चाहते हैं समाज की बेटियों के लिए? बेटियों को तो बहरहाल सब लोगों की बात है, हर एक परिवार को अपनी बेटी को जो है सहयोग देना चाहिए और उससे उम्मीद करनी चाहिए, पॉजिटिव उम्मीद करनी चाहिए, तो सर कहीं बेटियां निकल कर आएंगे आगे, कोई ऐसी बात नहीं सर है। कहीं ना कहीं अभी भी रूढ़िवादिता हम लोगों के बीच में है, युवतियों को बाहर पढ़ने के लिए कम भेजा जाता है, अचीवमेंट करने जो बड़े आईएएस आईपीएस ये, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवार ये सोचता है कि बाहर जाएंगे तो माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या समझते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी अकेली बेटी है और आपने बाहर पढ़ने के लिए भेजा? नहीं, मेरा मानना ये है कि बेसिकली अभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो उनके पेट में, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है थोड़ा सा अभी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा। लेकिन मेरा, अगर बेटी को सही शिक्षा है और वो सही दिशा में जा रही है और उसको लगन है, तो वो अपने आप को संभाल लेगी, कहीं भी हो, यहाँ हो, बाहर हो, विदेश में हो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर उसका है तो हम तो उसी तरह से चले हैं और हमारी बिटिया कामयाब हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर किसको? जनता को क्या संदेश? नहीं, जनता को तो यही संदेश है हमारा कि अपने बच्चों पे विश्वास करें, बेटा बेटी जो भी है सब पे विश्वास करो और उनको जो है तरक्की के लिए भेजो, रोकने की जरूरत नहीं है कहीं भी, बाहर पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी तरह से रहना चाहते हो। ये कुछ ऐसा बयान है जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बेसिकली अंदर से खुशी है लेकिन मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मतलब क्या वर्ड्स इसके लिए मैं बताऊँ। बस बहन ने कामयाबी हासिल करी है लेकिन मेहनत सारी इसकी है, A to Z बहुत मेहनत की है पिछले 3 साल में इसने, तो यहाँ तक इसलिए पहुँची गई है। कुछ बेसिकली चुनौतियाँ भी आई होंगी? चुनौतियाँ हैं लेकिन अगर शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, आपको अगर कोई मॉडल बनना है बेसिकली तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम दूसरों को कहेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं भी ऐसे नहीं करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत मेरी बहन ने की है, संधि ने की है। सर आपकी बराबर में आपकी मिसेज भी खड़ी है, तो जी क्या मिसेज हाउस वाइफ है या कुछ करती
मैं बेसिकली टीचर हैं, यही बताइए, ये टीचर है, ये मैथ की प्रोफेसर है, लेकिन पिछले ड्यू टू COVID-19 तो अब ये एज ए हाउसवाइफ है, लेकिन ये एज ए प्रोफेसर मैथ्स पढ़ाती है। सर, आपके परिवार सभी पढ़े लिखे लोग? जी खुद आपके डैडी भी मेरे ख्याल से जी जी। तो कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अनएजुकेटेड होती है, लेकिन उनके घर में जब इस तरह के निकलते हैं और वे पढ़ने चाहती है लड़कियां, तो उन लोगों के लिए क्या एक संदेश है आपका, किस तरीके उन लोगों का सहयोग होना चाहिए, किस तरह उनका सपोर्ट होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खोलती है, यहाँ तक मिड डे मील भी लगाती है, उसके बाद एजुकेशन में भी हेल्प करती है। दिक्कत आती है मिडिल क्लास फैमिली की क्या लोअर क्लास फैमिली की, जहाँ मैं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। उनके दिमाग में कहीं, हम चाहे 2021 में अभी सदी में जी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आज भी यही है कि लड़कियाँ क्या करेंगी 10वीं के बाद, 12वीं के बाद क्या काम करेंगी। तो हमें उस सोच को चेंज करना है। अगर जब तक हम उस सोच को चेंज नहीं करेंगे तो हम पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, मेंटलिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, चाहे वो एजिड हो, चाहे वो कोई नौजवान हो, सबको ये चेंज करना पड़ेगा अपने साइड। बहन के लिए और क्या सपने देखे हैं? बहन के लिए तो बहुत सपने देखे हैं, लेकिन मेहनत उसको ही करनी पड़ेगी। उसके जगह मैं मेहनत करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना उसको ही पड़ेगा। और मैं तो बहन से ये भी कहना चाहूँगा, कल जब वो ज्वाइन कर लेगी, कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो, तो वो जिस तरह उसने सपने देखे हैं, वो दूसरों को भी सपने दिखाएं और मदद करे कि उसके भी सपने पूरे हों। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।